नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए हर रोज लेके आते हैं देश और दुनिया के 25 बड़े महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आम आदमी पार्टी सही समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की करेगी घोषणा, मनीष सिसोदिया। 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च होगी 5G मोबाइल सर्विस, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। सस्ता हुआ सोना, 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सीएम की कुर्सी पर नजर आए एकनाथ शिंदे के बेटे, फोटो वायरल होने पर उद्धव सेना ने कसा तंज, श्रीकांत ने भी दिया जवाब। कोरोना मामलों में उछाल, 24 घंटों में फिर 5000 से ज्यादा आए नए केस, 20 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड सरकार ने कई IAS अधिकारियों का किया तबादला। डीए बढ़ाने से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर लिया बड़ा फैसला। पायलट को रोकने के लिए गहलोत ने बनाया मास्टर प्लान, सीएम के रेस में करीबियों को किया खड़ा। बांग्लादेश में महंगाई की मार, ईंधन के बढ़े दाम, आक्रोशित जनता, दबाव में आई हसीना सरकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन, आज 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। यूपी के कई हिस्सों में बारिश से फसलों को नुकसान, अखिलेश यादव ने किसानों के लिए की मुआवजे की मांग। हिजाब को लेकर ईरान में हिंसा जारी, सड़कों पर बवाल, अब तक 26 मरे। लंपी वायरस से गायों की मौत ने पकड़ा रियासी तुल, मायावती के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा। बंगाल में अब केजरीवाल देंगे सीएम ममता को चुनौती, खुलेगा आम आदमी पार्टी का कार्यालय। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत में भी बढ़ सकता है ऊर्जा का संकट, सरकार ने शुरू की तैयारी। धान खरीद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सुबह से रात तक कुरुक्षेत्र हाईवे किया जाम। आज फिर कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम, सितंबर महीने की सबसे बड़ी कटौती। उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मिली इजाजत। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार ने किया ऐलान, लाभार्थियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। झारखंड सीएम को चुनाव आयोग से झटका, हेमंत सोरेन की मांग को किया खारिज। मध्य प्रदेश में 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे, करीब 1.5 लाख पद खाली। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। कुर्मी समुदाय का 5वें दिन भी आंदोलन जारी, 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कईयों के बदले रूट। देश में पहली बार समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।